अरे अम्मा तू वापस आ गई, वरना तो हम तो रो रो के तेरा इंतजार कर रहे थे। आखिर तेरे को हमारी मोहब्बत याद आई ना। चल चल, मेरा तो दिल भी नहीं चाहता था, तेरी वजह से तो मैंने अपना वतन छोड़ दिया था। ना, अच्छा तो मेरे को बच्चे लेके आए, बोला हम लोगों को अपना दादा दादी देखने। मैंने बोला चलो, नहीं तो लंदन में तो इतनी मजा आती है, ये बुजुर्गों की तो इतनी इज्जत है वहाँ पे, हम लोगों को तो ऐसा पैसा मिलता है, गाड़ियाँ मिलती है, सब फ्री फ्री। इधर इधर इसके जूते सुनो इसकी, जो अभी तो लड़ेगी तो नहीं मेरे से ना। अम्मा माफी मांगती हूँ, मैंने माँ से माफी मांग, मेरे को तो फैसल पे आती है। 20 साल हो गए, उसमें एक मरतबा आया या पाकिस्तान मेरे से मिलने नहीं आया, कितना बेवफा है वो। गफ्फार तेरे को पता नहीं, इधर से जाते हैं ना जब भी दूसरे मुल्क के कागजात की शर्तें होती है ना, तो 12-12 साल बच्चे अपनी माँ को नहीं देखते। अक्सर के तो बच्चे जवानों में बाप आए तो समझते हैं हमारा मामू आया लंदन से। हालांकि फैसल को मैंने बोला था कि वहां से पेशावरी चप्पलें भेजना, लेकिन उसने वो भी नहीं भेजा। अभी मैंने एक फैसला किया गफ्फार। क्या माँ? ये जो अपना ये स्टूडियो था ना, गफ्फार एट दोराजी करते थे ना, ये अपने दोबारा शायर के साथ शुरू कर देंगे। मैंने रात को मीटिंग कर ली है बच्चों से, मैंने तो मेहमान भी बुलवा लिए हैं। अरे हाँ अली माँ, अपना जो पोता है ना, पोता शहर को बहुत अच्छी मेहमानी भी आती है, लेकिन इसकी बीवी है ना पटर 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 क्या बोलती है। मैंने उसको बोला सीढ़ी पटर, मतलब आई एम सॉरी। अरे मैंने बोला ऐसा नहीं बोलती। अम्मा शुक्र है तेरे को ये ख्याल आया, अम्मी तो बैठ बैठ के बोर हो गई थी, खाना पकाती थी सो जाती थी, या मैं डाइजेस्ट पड़ती थी। तो अपनी सलाहियतों को मजबूत क्यों किया? आप जाती है कितने सारे चैनल खुल गए, किसी में काम शुरू कर देती। गई थी मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने, उन्होंने भगा दिया। जींस नहीं मिली ना मेरे साइज की, मैंने चल दफा मौत के कुएं में जाएगी, सबको मौत के मुंह में डालेगी। ये मौत के कुएं में साइकिल पे बैठ सकती है? अब हम लोग बूढ़े हो गए, 20 साल हो गए। अम्मा आप तो माफ कर दे ना, पिछली गलतियां खत्म कर दे। अब इतनी चिंगारियां हैं, ये आस्ते आस्ते बुझेंगी। मैं पानी फेंक दूंगी इसके ऊपर। ए बता रहे चिकनी मां, चमचागिरी मां नहीं, मां से चमचागिरी करने की जरूरत ना। मां पोते पोतरी के उनके भरकाए उनकी भाड़ी की। अभी इसकी बहू आई है ना, अभी मेरे को मजा आएगी। क्यों मजा? ये अभी करेगी ना बहू के साथ कोई टेढ़ापन, तो को याद आएगा ये मेरे से जो जो करेंगे। मैं पतले लूंगी, पतले बेटा। सोए हुए सारी रात बिचारों ने मीटिंग की, गैरेज साफ किया, स्टूडियो साफ किया, मेहमानों को बुलाया, अभी आ जाएंगे खुद ही उठ के। सुना लंदन हमसे 5 साल पीछे, 5 घंटे पीछे। हाँ तो ए मामा शेर, ए बेटा अच्छी, बेटा अच्छी अच्छी जान अच्छी। अरे मेरा मुझे पोत्र, मुझे पोत्र, मुझे पोत्र, मुझे पोत्र से माशाल्लाह। बेटा तू अच्छी भी आशा की बहुत खुशी है। अरे तू नाम तो सही, माँ मुझे पोत्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी वो हम इतनी देर सोते थे, एक्चुअली रात को किसी ने एसी ऑफ कर दिया था। इट वाज सो हॉट। डार्लिंग डार्लिंग, अम्मा की पुरानी आदत है मीन स्विच ऑफ कर देती है। ए ए देखो अभी मैं आई हूं, मेरे को मुझे मां चल जा। कोई मसला नहीं है, हमारे पास गेस्ट आए हुए हैं आज, बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हैं, हम ये प्रोग्राम दोबारा शुरू कर रहे हैं, सो जस्ट मेक श्योर कि आप वो बातें करें जो करने वाली हैं, ठीक है बेटा? अगली गाल सुन बेटा। जी जी सर। जी जी आज जब मेहमान कह रहे हैं, अपने मेहमान कौन कौन? व्हाट इज ही सेइंग? आज डार्लिंग कुछ ना कुछ तो कह ही रहे ना, मैं तो गाल एक्सप्लेन दैट टू यू लेटर। आज हमारे मेहमान है नईम अब्बास रूफी साहब एंड जोहा हसन। जोहा ये क्या करती है? ये वो नहीं बोलती है, थोड़ा सा चाहिए। अच्छा, यही है ना दादी, गॉड सेव डार्लिंग, थोड़ा सा साथ चाहिए। हाँ, जेर चाहिए। नजर है ना, ये नजर नहीं नियत का कमाल है। लेकिन कोई बात नहीं, चाहिए जेर। खुदा का वास्ता देखें दादी, दादी 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 20 साल हो गए, अब भी हो गए, जेर का नाम अभी तक नहीं भूली है। खुदा का वास्ता प्लीज, खुदा का वास्ता चुप हो जाए। दादी मैंने आपसे कहा है ना, फितरत नहीं बदलती ना, मैं क्या करूं? फितरत नहीं, लेकिन आप प्लीज प्लीज दादी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेंगी। कोई कुटड़ा पर नहीं होगा, कोई कुटड़ा पर नहीं। मेरे साथ कुछ किया ना, मैं इसको बोलूंगी एक्शन रिप्ले। नहीं नहीं एक्शन रिप्ले नहीं है, थैंक यू। आप लोग बस अपना ध्यान रखिए, मैं अपने गेस्ट को लेने जा रहा हूँ। दादा आपको इस फैमिली की टेक केयर करनी है, ठीक है? प्लीज वी आर स्टार्टिंग दिस न्यू शो, ठीक है ना? तो आप प्लीज मैं चली जाएगी, जिंदगी अपनी टेक केयर नहीं की हमारी बेटी किसकी? या अल्लाह मां, या मां रोना मत। का वास्ता अल्लाह, आप जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, मां ना डालिंग डालिंग टेक केयर, मां ना आवियो, मां ना आवियो। शादी अभी खड़ी हो जाएगी। अरे हाथ नहीं जोड़, उसको छोकरी को क्या सिखाती है? इधर नईम अब्बास रूपी आ रहा है या कुमार सानू आ रहा है? अच्छा प्लीज फॉर गॉड सेक, इस वक्त आप लोग चुप हो जाइए, मैं अपने गेस्ट को लेने जा रहा हूं। प्लीज मुझे पोत, कोई हां प्लीज कुछ नहीं बोलिएगा बेटा, जल्दी ले आ, मैं इतनी देर में लेके आ रहा हूं, खामोश ले आ। आप लोग थोड़ी देर के लिए चुप,
रूफी, दिस इज माय परदादी माशाल्लाह, एंड दिस इज नेम बस रूफी और वो मेरी दादी हैं पीले कपड़ों में बिल्कुल दुल्हन की तरह से माशाल्लाह, एंड दैट्स माय लवली वाइफ हाय दादिया जी ऑफ कोर्स, एंड दैट्स माय दादा दादा अल्लाह का फजल है गाली की गजल, अल्लाह का फजल है गाली की, चश्मे में बिल्कुल नजर नहीं आते हो आपको वैसे भी कुछ नजर नहीं आता सिवा औरतों के, एक बार खाता है बेटा ऐसे का ऐसा है मेरे को देख कितनी मैं बुजुर्ग हो गई, ऐसा होता है दादा। अब मैं जाके इनका ऐलान कर दूं अगर आप इजाजत दो तो, आप जरा हिफाजत कर लेना, हां मस्जिद में करना है, मस्जिद में करना, मैं जाके ऐलान कर देता हूं, आप प्लीज इनकी हिफाजत कीजिएगा, ख्याल रखना जी जी ख्याल, आप प्लीज यहां रहें प्लीज, थैंक यू सो मच। अरे फरीद खान को जानते जो पिंडी में आर्टिस्ट है, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गफार एट धोराजीज, मेरा नाम है साहिर। किस्सा यह है कि आज से 20 साल पहले मेरे फादर ये शो किया करते थे, यू ऑल रिमेंबर फैसल, यस दैट वाज माय डैड, माय वंडरफुल डैड। फिर एक रोज ऐसा हुआ कि वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो गए, लंदन चले गए, एंड देन ही सेड कि तुम्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा। आई कंप्लीटली रिफ्यूज्ड, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा डैड, इट्स ओके, आई जस्ट वांट टू स्टे हियर इन लंदन। लेकिन फिर एक रोज ऐसा हुआ कि मैंने ये सोचा कि मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए, मुझे जाके देखना चाहिए कि वो बातें कौन सी हैं जिसकी वजह से मेरे डैड को पाकिस्तान से इश्क है, वो बातें कौन सी हैं जो वो करते नहीं थकते, मेरा घर कौन सा है, मेरे लोग कौन से हैं। फिर मैं चोरी छुपे चुपके चुपके आता रहा, कभी दो चार दिन के लिए आया, कभी हफ्ते दो हफ्ते के लिए आया, फिर एक रोज ऐसे आया कि बस यहीं रह गया, ये मेरा मुल्क है, मुझे इससे प्यार। नाम मैं इसलिए चेंज नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे ग्रैंडफादर का नाम है, मेरे वो ग्रैंडफादर जिन्हें प्यार से मैं आज भी पप्पा कहता हूं। यू नो व्हाई? बिकॉज मेरे डैड उन्हें पप्पा कहते हैं। ये शो कहां जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरे घर में हैं और मैं ये जानता हूं कि आप उन तमाम लोगों से मिलना चाहेंगे जो इस घर की जान है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। और आज उनके साथ जो शख्सियत मेरे साथ मेहमान है और मेरी पहली गेस्ट है, इस प्रोग्राम की पहली गेस्ट है, लेडीज एंड जेंटलमैन, उसका नाम किसी तारुफ का कोई मोहताज नहीं है। आप लंदन में हो, अमेरिका में हो, ब्राजील में हो, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के किसी शहर में हो, समरसट्टा से लेकर कराची तक, खैबर से लेकर सखर तक, इनको जाना जाता है, इन्हें माना जाता है। एक लेजेंड चला गया, अपनी याद छोड़ गया, दूसरा बन रहा है अपनी शनाख्त। आप एक ऐसा नाम जिसके बारे में सिर्फ इतना कहा जाए कि जब गाता है तो यूं लगता है कि जैसे मौसीकी ने सफर शुरू कर दिया है अजमतों की तरफ। जानना चाहेंगे कौन है? Well, ladies and gentlemen, you guessed it right. Please welcome my family and the one and the only. Ladies and gentlemen, we have our first guest, Naeem Abbas Rufi. दादी दादी बैठे 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 यही है मेरा, ये कुर्सी आप ही की, इधर ढेर लगाने की, इधर ही ढेर लगा लो, कोई नहीं, ये इस उम्र में ढेर ही लगता है और कुछ नहीं होता। बकवास नहीं करना, टाइट एक टक्कर मारो ना, तो जाओ टक्कर इस उम्र में तो नहीं मारो, 20 साल लंदन का खाना खा के आई हूं। दादी अम्मा बैठो ना, बैठो। हेलो एंड लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू, दिस इज माय डार्लिंग वाइफ, एंड ऑफ कोर्स वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि मीडिया बहुत अच्छा है, ऑफ कोर्स मीडिया बहुत अच्छा है, कभी कभी ख्वाहिशें यूं भी पूरी होती हैं। नादिया अफगन, प्लीज हैव अ सीट नादिया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, अल्लाह इतने बुड्ढे हो गए, डैड 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 अपनी बच्ची है, हजार का नोट 100 में चला देता हूं, बुड्ढा हो गया, ये टंगरिया जोड़ के बैठो, अच्छा टंगरिया जोड़ के बैठो, अभी तक ऐसा ही हंसता है रूफी, तू बुड्ढा नहीं हुआ? नहीं। क्या खाता है भाई तू, मेरे को इतना बुड्ढी हो गई, तू नहीं हुआ? जो आप खाते सब वही खाता हूँ। नहीं तू कुछ अलग खाता है, 20 साल हो गए इसको ऐसे ही गंजा, इसकी तो फसल भी नहीं है, ये सियासत में चला गया था इसने वो खाना शुरू कर दिया जो कोई भी नहीं खा सकता, अब आगे देसी चीजें खाता हूं।
दादू अगर इजाजत हो तो मैं मेहमान से बात करूं। हमारे चलो अम्बासा सलामत। अम्बासा सलामत। इजाजत है। इजाजत है। आप रूफी की इस्तकबाल करो। इस्तकबाल करता हूं। अच्छा रूफी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। टेल मी व्हाट्स हैपनिंग दिस डेज, क्या हो रहा है? मतलब ये एल्बम काम हो रहा है, उस पे इन द प्रोसेस है, और भी वर्ल्ड कप का एक गाना शूट कर रहे हैं। एंड माय गॉड, दैट्स अ लवली सॉन्ग। ओह यार, मैंने सुना है। बहुत जबरदस्त है, और लेकिन टीम भी जबरदस्त काम करे तो एफर्ट करे तो फिर जाके मजा आएगा उस गाने। बट आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द चांसेस ऑफ पाकिस्तान प्लेइंग? साहिर भाई, आप भी क्रिकेट खेले हुए हो, हम भी खेले हुए हैं, लेकिन क्रिकेट की जो पाकिस्तान टीम की स्ट्रेटजी नज़र आ रही है और जो उनकी प्लेयर्स की जो फॉर्म नज़र आ रही है, उस लिहाज से तो मुझे लग रहा है इनको वापस देने पड़ेंगे पैसे। नहीं नहीं, वो दो आदमी गए ना, और कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कुछ लोगों को वहाँ स्लिप भी होना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज में ही क्यों? मेरा बच्चा, हमारे पोतरे की, मेरे शहर की बीवी, मेरी बेटा, मेरे क्या लगती, मेरे भी तो रिश्तेदार है। संभल के, क्या बाल लकली है? नहीं बाल नहीं, आप। जब इसने लंदन में इसको पसंद किया, सबसे पहले मेरे कान में आके बोला था, ये छोकरी है, लव यू। अच्छा, ये लोग तो प्यार में इसी तरह से लड़ते हैं। नाउ टेल मी, म्यूजिक सीन में क्या हो रहा है? व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज? एल्बम है जो है, ऑन द प्रोसेस है अभी। अच्छा, ये कौन सा एल्बम होगा? एल्बम तो मेरे पहले बहुत है, रीमिक्स। हाँ। और अपने गानों के एक एल्बम मैंने पहले किया था अभी, जो अपने जाती गानों का। अच्छा। और अब ये भी अपने जाती गानों का कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक मेरे पे एक वो लगा हुआ है, नुसरत अली खान। हम दोनों पे खान का ही छाप, लेकिन हाँ, लेकिन इसमें मुझे कोई मतलब मलाल नहीं है। हाँ। इसमें मुझे खुशी है कि एक लेजेंड का मैं फॉलोअर हूँ। हाँ। और लेजेंड होना बहुत ज़रूरी है, और अपना आइडियल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तुमने शुरू में जब एल्बम की थी तो तुमने एक गाना गाया था, हमें गंजे दुनिया जान ली। हाँ। वाज अ वंडरफुल सॉन्ग, लेकिन उसके बाद कहाँ, क्यों किया, क्यों नहीं कोई आया, क्यों नहीं एल्बम वैसा? एल्बम वैसा क्योंकि वो भी एक समझे कि एक कोई वो चल रही थी एक रेल। हाँ। जिसमें भेड़ चाल कहते हैं उसे, भेड़ चाल कहते हैं। हाँ, वो चल रही थी तो उसमें। हाँ। ही मैंने वो गाना कर दिया कि गंजों को देख के हमें गंजे बना दिया, दुनिया जान ले। हाँ। ब्रेक पे जाने से पहले कि एक वो बार नादिया, आई विल टेल यू वन थिंग, जब भी मैं ये गाना सुनता था ना, हमें गंजे दुनिया मान ले, मुझे बहुत खुशी होती थी। यू वुड लाइक टू हियर दैट सॉन्ग दोबारा? आई वुड लव टू हियर दैट सॉन्ग। जरा सा, जरा सा, थोड़ा सा हो जाए, एंड देन वी आर गोना टेक अ ब्रेक राइट नाउ। लंबे लंबे बालों वाले, टेढ़ी मेढ़ी चालों वाले, Well, ladies and gentlemen, welcome back. Of course, you're watching Ghaffar at Dhorajee. And my sath mehman hai nahi bas Rufi sahab. But Sahil, inse video ko puchho na, because I want to model in it, agar mujhe permission mil jaye. Dekho, meri English iski dono barabar hai. Ji, please, ab main puchhun, koi sawal kar lo apne guest se. हम लोग जब लंदन में रहते थे तो इन लोगों के बारे में सिर्फ सुना था। मैं भी यही सोचती थी कि सलीम जावेद ने ढोल वाला रखा, इसने क्यों नहीं रखा ढोल वाला? रखा है था, एक मेरा है। आप लोग अगर मुझे इजाजत दें, मैं कुछ गेस्ट से बात कर लूं। रूफी का एक म्यूजिक डायरेक्टर है जिसका नाम खालिद फीलिंग है, एंड ऑफ कोर्स इज अ वंडरफुल गाय। ये काय की फीलिंग है बेटा? ये वो फीलिंग है जो इंसान को नहीं आनी चाहिए। बुरी फीलिंग है, लेकिन आ जाती है कभी कभी। आप कर सकते हैं, सूफी साहब, जब आप गाना गाते हैं, ये आपके हाथ क्यों उलटे हैं? आप क्या वीडियो गेम बगैर मैं गा नहीं सकता ना, क्या करूँ? क्या मतलब ये क्या करते हैं ये इसके बगैर? अच्छा रूफी, रूफी रूफी, लेट्स टॉक टू रूफी। रूफी, अभी आपने वर्ल्ड कप का गाना किया, ठीक है? किसने लिखा है वो गाना? कौन सा वाला? वर्ल्ड कप वाला। वर्ल्ड कप वाला गाना लिखा है एक है दबीर साहब। आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं कैसे बात नहीं देते? इजाजत बंद कर, प्रोग्राम में मालिक हूँ इसकी। क्या इंसान की बच्ची है मेरे साथ? क्यों लाई थी? किसने बोला था आपको? कल आई है तो जबरदस्ती आई थी, तो तंबू में बैठी रो रही थी, इसकी दुल्हन भाग गई थी। देख ले तो आप, हमें अजीब बात, प्लीज गेस्ट बैठा हुआ आप, प्लीज अंग्रेजी ना बोले, चुप।
सर आपसे मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज क्या परेशान हो जाता है? नहीं अंग्रेज परेशान नहीं हो जाता, हम सब परेशान हो जाते हैं, प्लीज आप छोड़िए इस बात को। रूफी नाउ टेल मी, कभी फिल्मों का शौक हुआ कि फिल्मों में गाया जाए? शौक तो बहुत है, लेकिन हमारे पाकिस्तान की माशाल्लाह मेयार इतना जबरदस्त है। नहीं तो उनमें गा लेते हैं जो लगती नहीं, जो लगती नहीं है, जो बाकी सही कह रहे हो आप, जो ना लगे उनमें ज्यादा बेटर है, और जो लग जाती है, क्योंकि हम लोग अभी तक वो जो रिकॉर्डिंग का और जो जो एक प्लेबैक का जो एक मयार था जो पहले आज से 15 साल या 20 साल पहले, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप देखिए 15 साल 20 साल, संभल के प्लीज गिर मत जाइएगा। अम्मा इसकी एक तंगड़ी कमजोर है, वे गिर जाएगी फिर कहेगी बहू ने जान की सकती है। दादी अम्मा से पूछ सकती है क्या? अभी बताए कि वो जो पहले गाने होते थे आज से 15-20 साल पहले, जो मैदी साहब या मैडम नूरजहां, जो इन्होंने 40 साल हो गए, नहीं 20 साल हो गए तकरीबन। नहीं नहीं हमारी उम्र को बेटा 55 साल में गाया था ना, 55 साल में तुम्हारे। अच्छा बताए कैसे, अच्छा म्यूजिक था ना उस वक्त, आज तक वो गाने रिमिक्स हो गए सुने जा रहे हैं आज तक, इसका मतलब पावर, अब जो पावर है वो तकरीबन म्यूजिक प्लेबैक की खत्म। अच्छा मैं जब आपको देखता हूँ गाते हुए तो मुझे एक बहुत अजीब सी फीलिंग होती है कि लिटरली जो गाना गाया जा रहा है उसको पूरे एसेंस के साथ गाया जा रहा है। अगर शायरी हो रही है तो उससे बहुत इंसाफ किया जा रहा है, अगर यू नो कहाँ पे सम ने आना है, कहाँ पे ताल ने आना है, कहाँ पे सुर ने लगना है, हर जगह से बहुत इंसाफ करके गाया जा रहा है। लेकिन जब हम दूसरे सिंगर्स को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनको हम देखते हैं तो बहुत कमर्शियली गाते हैं, लाइव गाने का जो रिवाज है वो बड़ा कम होता जा रहा है, क्या वजह क्या है रूफी? व्हाट डू यू थिंक? कम होता नहीं जा रहा, बल्कि मेरे हिसाब से 90% खत्म ही हो चुका है। बट व्हाट इज द रीज़न? बस एक्चुअल खुद उसमें उनमें वो स्किल्स नहीं है, और वो समझे जो गाने की जो एक्चुअल हमारे जो अब जो सिंगर्स हैं वो गाने के बजाय समझे और बैक हो रहे हैं। एक तो होता है बेसुरा, एक होता है नलायक। अब जो वो बेसुरा कंप्यूटर से अपने आप को सुरीला करते हैं, कंप्यूटर उसको सुर में लेके आता है। कई दफा कई सिंगर तो ऐसे हैं जो कंप्यूटर भी मना कर देता है, जी मैं इससे ज्यादा सुरीला नहीं कर सकता। तो क्या कंप्यूटर इसके अंदर चला जाता है, गले में आता है? गला उनके कंप्यूटर में चले जाता है। अच्छा। तो गले को वो थोड़ा शार्प कर देते हैं, अगर वो चाहता है मोटा कर दे मोटा भी कर देते हैं। मेरा बच्चा गला कैसा होता है तू खुद बोलता है, लोग नाक से गाते हैं, अभी मेरे को पता चला पेट से भी गाते हैं। हां वही तो मैं बता रहा हूं, सुन तो ले पहले आगे, फिर वो करके और शोज में जब लाइव शोज में आते हैं तो फिर वो वहां पे सीडी लगा देते हैं। यानी कि अगर आदमी बेसुरा है, पता है हुआ क्या है, कई बार अगर बेसुरा है और वो अगर गाता जाएगा तो 10 साल बाद नहीं 20 साल बाद नहीं, मतलब किसी भी एक हल्के में ऐसा जरूर आ जाएगा कि वो कुछ अच्छा गाना लग जाएगा अगर लाइव गाता रहेगा। अगर वो एक तो पहले ही ना लाएगा, ऊपर से वो सीडी लगा रहा, तो वो वापस और बेसुरा हो जाएगा। अच्छा रूफी, बहुत सारे ममालिक में परफॉर्म किया, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में परफॉर्म करने का अपना एक मजा होता है, और पाकिस्तान के शहरों में परफॉर्म करने का अपना एक अलग मजा होता है, उसका रंग होता है। लेकिन अब तक जितने भी ममालिक में परफॉर्म किया है, कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी, ऑडियंस जहाँ के बहुत थ्रिलिंग हो? नकली एक्चुअल हमारे जो भी परदेश में लोग रहते हैं ज्यादातर, खासकर स्पेशली अमेरिका और यूके में। अच्छा अमेरिका में बहुत सारा परदेश है? परदेश बहुत सारा है, वहाँ पे अपने देसी हैं भी बहुत, लेकिन यूके में प्रेजेंट उनका देसी है। हाँ बहुत देसी है, खास बल्कि उसे तो जितना देश खाने वाल का। अम्मा बेहोश हो गई है, अम्मा बेहोश हो गई, इंजेक्शन लाओ अम्मा का, किधर अम्मा बेहोश है, सब फेंक दूं तेरे को, हो गई है, ये चाहती है कि जैसे अम्मा एक्सपायर हो जाए। लो नहीं कर रही है तो कभी शी वोंट आई गो एक्सपायर, वो दवाई एक्सपायर की बात है, तुम्हारे को खुदा का वास्ता। आज माने सुना काजू खाए तो उसको नींद आती है, काजू खाने के बाद इनको नहीं रहती। जी आपका जवाब, जी प्लीज, थैंक यू वेरी मच। जी आपका जो हमारे वहाँ पे लोग देसी पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं अपने अमेरिका या यूके में, वो अपने मुल्क को बहुत याद करते हैं, और जब हम लोग यहाँ से जाते हैं पूरी टीम, तो उनको हमारे से एक्सपेक्टेशन ये बहुत होती है कि अपने मुल्क की खुशबू चाहते हैं, अपने मुल्क का म्यूज़िक जो हमारे रंग में बसा हुआ है, तो उसको वो रंग जब हम वहाँ पे जाके देते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वो अपनी मिट्टी को उनको फ़ौरन एक खुशबू आती है और वो बहुत प्यार करते हैं। उससे क्या इधर से मिट्टी डिब्बियों में ले जाते हैं यहाँ की मिट्टी? नहीं वहाँ अपनी आवाज के थ्रू ले जाते हैं। अच्छा गले मिलते होंगे तो नारी की खुशबू आती है। नहीं वो खुदा का वास्ता मेरे गेस्ट हैं, प्लीज प्लीज दादा घंटी बज रही है, प्लीज घंटी बज रही है, यस घंटी बज रही है, इस तरफ मेहमान अच्छी हुए, मेहमान जल्दा दादा जल्दी जल्दी, मेहमान अच्छी तेरी जिंदगी हो गई गफ्फार, तेरे को दही लेने भेजो तो तू लस्सी मेहमान जाओ। ओके
थैंक यू। अभी ये मेरा ये मेरा पथारा बदलना है तेरे। अच्छा पथारा तुम्हारा बदल दूंगा रूफी, तुम्हारे को भी अपना पथारा बदलना है तुम्हारे को वहाँ पे। आगे बेर लगा देना ना, अम्मा को ऐसे बेचती रहेंगी। खबरदार, जो मेरी दादी को किसी ने कुछ भी बोला मैं बता रहा हूँ, मैं सारी बात सुन लूंगा। दो औरतों के बारे में बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, अपनी इस दादी के बारे में, अपनी बीवी के बारे में। हम क्या मुफ्त के लोग हैं, हमारा कोई खानदान नहीं है। ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। ये हंसती हो ना और ऐसे पॉइंट करते हो, मेरे को डेंटो ने किया था जाता है। बेटा तो डेंटो से ही तो पता शुरू हुआ। सॉरी सॉरी। अच्छा तो वो अपना पतारा बदलो। पापा बहुत ऊंचा बोलते, यू नेवर टोल्ड मी बिफोर गेटिंग मैरिड, यू नो योर पापा इज लाइक दिस। अच्छा देखो देखो, पक्का कितना पक्का आदमी है ना, दूर होके बैठा, दैट्स वेरी नाइस। पापा की जगह है इधर, पापा बैठेंगे तेरे साथ, गैर मर्द के साथ थोड़ी बैठने देंगे तेरे को। जाय सी बात है, अगर इजाजत हो तो मैं ब्रेक पे चला जाऊं। हां जाने का है बेटा, क्या से जाना, ये शेख रशीद ने पटरियां अभी तक ठीक नहीं कराई हैं। मेरे को तो मालूम नहीं है शेख रशीद की पटरियां हैं भी कि नहीं है। किसी ने मेरे से पूछा रेलवे का मतलब क्या है, तो मैंने बता दिया रेल का बस वे ही नहीं है। जब देखो रन पठानी का पुल ही टूट जाता है। ब्रेक लेते, फिर मिलते आपसे ब्रेक के बाद। Well, ladies and welcome back. You're watching Ghaffar at Dhorajee's, and my next guest ka waqt ho gaya hai. What can I tell you about her? She's an amazing, amazing writer. Aaj kal agar aap ARY dekh rahe hain, to usme unka ek bahut khoobsurat play chal raha hai, Thoda Saath Chahiye. Waise to, it was really an honor and privilege for me also to work in one of her plays. Us play ka naam tha Awaaz. Of course, silsila tha. Well, aap jaan gaye honge. Ek aisa naam jo kisi taaruf ka mohtaj nahi hai. जब भी लिखा बहुत अच्छा लिखा। आपकी भरपूर ताली में तशरीफ लाती हैं जोआ हसन। ये मेरी सहेली है बचपन। अच्छा आजा आजा जोआ। वेलकम वेलकम। हां जोआ जैसे बात है, वेलकम जोआ। ये काले कपड़े काहे को पहन के आई है जोआ? हेलो जोआ, क्या हुआ जोआ? प्लीज बैठ के। इसको गम है अम्मा किसी चीज का। इसने हरजाई लिखा, सारी औरतों के मियां हरजाई हो गए। और मां इसने लिखा थोड़ा सा प्यार चाहिए, क्या साथ चाहिए। ये तेरा ड्रामे का नाम मैंने पढ़ा, मैंने बोला इसमें लिखा है थोड़ा सा चाहिए। प्लीज डोंट माइंड, दिस इज माय फैमिली। मैं आपको इनका तारुफ करा दूं, वो मेरी दादी है। ब्यूटीफुल इसमें सिर्फ दो चीजें हैं, एक मेरी दादी और एक मेरी वाइफ। ये माँ का तो दुश्मन निकला है, मैं तो नहीं इससे बात कर रही। आप बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र रहिए। फैसल ने उसको, फैसल आपको कितना प्यार करता था, तो मेरे को ये काहे को प्यार नहीं करता। अल्लाह ने मेरी बदुआ लगाई तेरे को। प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। देख अल्लाह ने मेरे सामने बहू ला के। अच्छा 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 अच्छा, रोकड़ा रोकड़े की बात है सारी, रोकड़े का वास्ता, खुदा का वास्ता। चुप रही जो आप वाले कपड़े पहन के आई हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर, बहुत थैंक यू वेरी मच टू इनवाइट मी। नहीं बो, इट्स आवर प्लेजर। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि दिस इज अ वंडरफुल फैमिली दैट आई हैव। मेरी परदादी, दादी, माय वाइफ एंड माय दादा, एंड राइट देयर इज नेम अबास सूफी साहब। यस आई नो हिम। आपके पास वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिंगर माता का मिल जाएगा। देखिए कानों पे बांध के ऐसी बातें ना करो। अच्छा अच्छा अच्छा, नाउ व्हाट टेल मी, आजकल क्या हो रहा है, बहुत बिजी हैं? डेफिनेटली थोड़ा सा चाहिए अभी थोड़ा और बढ़ गया। मुझसे कह रही हैं? नहीं मैं आपसे बिल्कुल मुझे जैसे कह रहा है हमारा फैसल जी गालियों में से बाहर निकली हो, मुझसे बिल्कुल गाना गा। बाप का असर है ना, उसके बाप का असर तो आएगा ना उसके ऊपर। मुझे मुझे जैसे यंग ही कैन डू दिस, ये अंग्रेज है। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू वेरी मच। आपको तो किसी गेस्ट की जरूरत ही नहीं है, आप लोग आपस में बातें करते रहा करें उसी से। अच्छा हम करने के बाद छोड़ें इस बात को, आप मुझे क्या जया जया ये लोग जया जया थोड़ा साथ चाहिए, थोड़ा साथ चाहिए। देखिए मेरे को थोड़ा सा आचार चाहिए। मुझे जिससे ये बात कहनी थी मैं कह चुकी हूँ। किससे? जिससे भी मुझे जिसका साथ चाहिए था वो साथ मुझे मिल गया, लिहाजा अब किसी की गुंजाइश नहीं। जोया मैं तुम्हारे को बताऊँ, इनको बोल दो थोड़ा सा चाहिए कब्रिस्तान तक। क्यों आप तो क्या चार आदमी जोड़ने नहीं जाएंगे? नहीं मैं आप लोग कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो। ए अब्बा जी जलाने वाली पब्लिक है, जलाने वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, जोया टेल मी, जब आप लिखती हैं तो क्या क्या इंस्पिरेशन क्या होती है? हालात होते हैं, वाकयात होते हैं, इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट होती है, मुशाहदात होते हैं, तजुर्बे की बुनियाद पर लिखते हैं? सब चीज़ें काउंट करती हैं राइटिंग के अंदर, लेकिन मैं बेस करती हूँ गॉड गिफ्टेड। आप समझते हैं कि गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं तो जो आमद हो रही होती है तो बस मैं उसी पर बेस करती हूँ। बहुत कम इंस्पायर होती हूँ किसी चीज़ से,
अगर देखा जाए तो स्क्रिप्ट जो है वो कमोबेश तकरीबन एक जैसा होता है. बहुत सारे नाम ऐसे मैं चाहूँ तो ले दूं वरना ये प्रोग्राम बंद कर देंगे, जिनका आप एक प्ले देख लें और उसके बाद 16 17 18 प्ले नस्लें चलती हैं. नस्लें चलती हैं. ये जोहा क्या आप हसीना मोइन की शागिर्द हैं? नहीं, हसीना आपा की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरा अंदाज लेट मी से कि मैं एक वर्स स्टाइल राइटर. मेरे को किसी ने बोला आप इनके घर की पिछली खिड़की पे से जाके सीखती थी. नहीं, बिल्कुल गलत. फार-फार रुक के फेंकती थी, आप उसको कॉपी करती. बिल्कुल ऐसा गलत कहा है. अगर आप मेरे प्लेस को उठा के देखें, उनके प्लेस को उठा के देखें, तो जमीन आसमान का फर्क लगेगा. और ये तो मेरा ये तो हटाने वाली बात है. अगर कोई मुझे ये कहता है ना कि आपने उसकी कॉपी की, हटाने वाली बात है. हाँ, इनकी लैंग्वेज. अरे इधर मुंबई के लैंग्वेज शुरू हो गया अभी, हटाने वाली बात भी हो रही है. क्या बात करता है मेरी बात कर. ये टपोरी जबान इसने तीन दिन लड़ाई करके सीखी है ना, इसको बोले टपोरी में इसको नईम अब्बास को मुखातिब करें. मुखातिब प्लीज आप मुखातिब, क्योंकि ऐसा गंजा टपोरी लग रहा है. मामा आज के दिन फरमाई सब के बीच में नहीं बोला था चमाट इधर से भाई, तेरी बीवी उठा के मार दूंगी मैं. कसम खाओ एक मिनट, रिस्क लेने की बात ही नहीं है. वो काम करे जो आप कर सकती है. इनको कौन उठाए? मेरे को नहीं जानता. क्या दिमाग फोड़े लाए? फैसिलिटीज बहुत है. अरे क्या दिमाग फोड़े लाए? क्या दिमाग फोड़े लाए? हर वक्त लड़ाई लड़ाई लड़ाई. अरे सारा ऐसे को बोलने का है. ए बड़ू, ये रोज़ लड़ता है. ए बड़ू, कोई गाना सुना अपन को. कोई गाना सुना अपन को. कोई गाना. ये जो टपोरी है ना, ये फैसलाबाद का है. ये टपोरी यहाँ का नहीं है. अम्मा तुम्हारे को उठाने फरिश्ते आए थे. जो इधर तो मुँह कर, थोड़ा हम भी देखेंगे तेनु की होया इधर. तूने समझ सकता है खोया? अच्छा जोहा कहें, जोहा कहें. हमारे बस जे जे जो हा 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 बल वजन है लोहा. अच्छा अच्छा जो जो टेल मी वन थिंग, एज फार एज योर ड्रामा इज कंसर्न, राइटिंग करियर कंसर्न, वो तो जा ही रहा है, कभी एक्टिंग का नहीं सोचा? ये सवाल मेरे सामने इतना आता है, मैं आई एम गेटिंग बोर. तो जवाब तो दे दीजिए उसका. नहीं, मुझे पसंद नहीं है. मतलब देखिए, एक अच्छे राइटर को एक अच्छा राइटर तभी बन सकता है जब वो एक अच्छा डायरेक्टर भी हो, एक अच्छा डायरेक्टर भी हो. और आपको पता है मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके कुछ लिखती हूँ. अभी मुझे ये टपोरी जबान का कुछ लिखना था, तो मैं अपनी मासी से बाकायदा तीन दिन लड़ी हूँ. All right, here's what we're going to do. We are going to take a break right now. When we come back, we still have Zoha and of course Naeem Abbas Rufi along with my family, and this is coming to you from the ARY studios. Of course, this is Ghaffar at Dhorajee. We'll be right back. इस्लामाबाद में देखे या टेलीविजन पे देखा? कहाँ जाके सुनती है ये? कभी लाइव शोज में अगर हो जाता है, मतलब इनवाइट होती हूँ, लाइव शोज भी होते हैं और वैसे भी. तो कोई कोई शौक रहा, कोई पसंदीदा रहा आर्टिस्ट, कोई पसंदीदा रहा? एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट रूफी. एक्सेप्ट रूफी क्यों? बिकॉज़ रूफी तो यहां है ना. डजंट लुक नाइस कि अगर आप उनका ही नाम. टाटिया बज गए तेरे भी. ऑफ कोर्स ही इज देयर. नाजिया हसन. नाजिया ऑफ कोर्स. नाजिया द ग्रेट. नाजिया द ग्रेट. और रूफी कैसे लगे? रूफी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर नाजिया को सुनना है तो आप थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं तो नाजिया को सुन लीजिए. और थोड़ा मूड बनाना है, गम का रोमांटिक है, रोमांटिक है, मेहदी हसन को सुन लीजिए, कुछ गैर मुल्की गाने सुन लीजिए. लेकिन अगर आपको एक अच्छी नींद सोनी है ना, तो आप रूफी को सुन. अल्लाह, आई मीन वो वाली नींद नहीं. ज़ाहिर, आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन. देखो, तुमने मुझसे लंदन में प्रॉमिस किया था कि ट्रेडिशन है कि जब मैं जाऊंगी तो जो मेरी सास होंगी या बड़ी सास होंगी मुझे कड़े देंगी. शी इज वेयरिंग कड़ास. मेरे तो हाथ खाली, इन्होंने भी पहने हुए. मेरे कड़े कहाँ हैं? एक मिनट, यू आर आवर गेस्ट. आप मेरे कड़े ले सकती हैं? नहीं, प्लीज कड़े चाहिए बेटा.
नहीं, और वैसे भी आपके नाप के कड़े उन्हें नहीं आएंगे। हम लोग कल चलेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। जोहा, माय लास्ट क्वेश्चन, आगे के प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है? 5 साल बाद हम जो हसन के लिखने में तब्दीली देखेंगे, कोई ऐसी चीज करेंगे जो आज तक नहीं की लिखने के एतबार से? हम नहीं, 5 साल बाद आप मुझे एज प्रोड्यूसर देखेंगे, क्योंकि क्योंकि अभी भी कुछ कहते हो, जैसे अभी मेरा एक प्ले चल रहा है थोड़ा साथ चाहिए, जैसे बहुत अच्छा प्ले, लड़कों ने बड़ा शुक्रिया अदा किया है कि कहने में आसानी हो गई है, मगर ये है कि जो साथ चाहिए थोड़ा सा, आज मोटरसाइकिल वाला कहती है थोड़ा सा साथ चाहिए, थोड़ा सा साथ चाहिए, अगर पुलिस वाला पकड़ के तुम लोगों को बोले थोड़ा साथ चाहिए, तो जैसे थोड़ा साथ चाहिए, हर जाए और बहुत सारे तू ही तू, ये सब प्लेस देख के मैं सेटिस्फाई हुई कि हाँ जो मैंने लिखा वो सामने आया, मगर मेरे बेशुमार प्लेज ऐसे हैं जिन्हें देखकर मैंने कहा नहीं ये वो चीज़ नहीं है जो मैंने पेन से लिखी थी। तो वो कौन से मुल्क में चले? कैथोसिस जो अभी मेरे अंदर हैं, उन कैथोसिस को अपने मतलब बाहर निकाल के और स्क्रीन पे देखने के लिए जो है वो मैं प्रोड्यूसर बन रही हूँ कि मैं अपने डायरेक्टर को बिठा कर जो मैं देखना चाहती हूँ वो उसको मैंने घोल के पिलाना है। आपने अभी कहा कि आपके अंदर का जो कथार्सिस है आप उसको बाहर निकाल के एज ए प्रोड्यूसर काम करना चाहती हैं और आप दिखाना चाहती हैं जो कुछ आपने लिखा है वो उसी अंदाज में सामने आ सके। नहीं, क्या हर जाए भी है। तो क्या आप मुतमईन नहीं हैं हमारे डायरेक्टर्स से? बहुत सारे उनमें से कुछ से मैं मुतमईन हूँ, जैसे मैं आतिफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अजीम अहमद हैं उनके प्लेस, बल्कि आपने जो काम किया था वो अजीम का ही प्ले था, और अच्छा और भी 2-3 डायरेक्टर्स हैं, अभी लैला वास्ती ने भी मेरा प्ले किया था, स्ट्रीट 27 सलीम देसवाली ने भी किया था, लेकिन जो और बहुत सारे अभी नए लोग आए हैं, ठीक है ना, मतलब अभी एक्टिंग कर रहे हैं, पता चला ये तो अगले प्ले के डायरेक्टर हैं। Thank you very much for being here. बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ लाएं। And of course, we have Mr. Naeem Abbas Rufi. Rufi, एक request है। जी जी। इससे पहले कि प्रोग्राम रैप हो, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेल रहा है और हमें जीतना है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दुआएं, दुआएं। मजाक अपनी तरफ, बट एक बात है लेडीज एंड जेंटलमैन, हाथ दुआ के लिए जरूर उठाइए। हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। अरे मैं कितना साथ हूं, मैंने तो टीम के कपड़े पहने। ये कौन सा हरा रंग किधर है? लेडीज एंड जेंटलमैन, नईम अब्बास रूफी, और गाना है वर्ल्ड कप। थैंक यू बहुत गुना गाना से।
ladies and gentlemen, all we have to remember is just this one thing. Pakistan jeetne ke liye bana. Definitely. Not just today, not just always. Tomorrow, but forever and beyond. Jab main London mein tha, to main kabhi kabhi ye socha karta tha ki jab main us mulk mein jaunga, to mujhe kya milega? Sara mazak ek taraf. Mujhe rishta mila. Mujhe mohabbat mili. Mujhe saath mila. Aur mujhe tehzeeb mili. Aur saath saath aise heere mile. Ye mera mulk hai. Meri pehchan us mulk se hai. Is Pakistan ki team cricket ground mein jayegi. Hum jeetein ya hum haare, hum ek saath hain. Agar hum unki jeet pe clap karenge, to unki haar pe hum usse zyada clap karenge. Kyunki wo hamare heroes hain. And we are with them, ladies and gentlemen, till eternity. This is Ghaffar at Dhorajee's with a new twist. Main apne mehmanon ko see off karta hoon. Aap se hum milenge zara si der mein. And of course, next week. Till then, you just keep taking care of yourselves. Aaiye ji, main aapko chhod dun. Thank you very much. Aaiye ji, aaiye, aaiye. Please, 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 please. Welcome, please, welcome. Please. Aray, welcome. Amma, achha, achha, amma, achha. Amma, amma, hello, amma. आपका नया एल्बम है तो मेरा फोटो अपने बाल लगवा ले. इतने लोग अपनी एडवर्टाइज करके मुफ्त मुफ्त के बाल लगवा रहे, तू भी लगवा ले. दादी मेरा लेके जाओ ना दिया, प्लीज लेके जाइए. इनका ख्याल नहीं करना, इनकी तबीयत ठीक नहीं. मेरी तबीयत ठीक. आखिरी हफ्ते में तो झगड़ा नहीं करो. खतरनाक हुई आपकी सेहत पे तो बहुत सारी खतरनाक. आइए प्लीज, आप भी आइए. थैंक यू सो मच. हमारे घर में कड़ी खिचड़ी बनती है. ये जया नहीं है, जोहा है. कोई भी है मेरे जया. प्लीज प्लीज, दादी को आप खुद हाफिज के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. प्लीज प्लीज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. आपस में मिलके रहने का, आपस में मिलके रहने का. अरे टपोड़ी ताला खुल गया क्या? ये भी ताला. ये तो टपोड़ी है, तो अभी साथ टपोड़ी खाते हैं. आप लोगों को जरा भी एहसास नहीं है. क्या हुआ? मेरा पहला शो है, मेहमान क्या सोचेंगे? तू क्या हमारी क्लास का मास्टर है? कौन है तू? ना बैठ जा, तेरे बाप ने बैठ रहा हूं, बैठ रहा हूं. इधर बैठने का है मेरे पास? नहीं, इधर नहीं बैठने का है. आप लोग थोड़ा ख्याल करें, गेस्ट बुरा मान जाते हैं. गेस्ट किसने बुरा माना? तो आप कैसा मखा में आप जो को क्यों टाटा कर रहे हैं? अरे मैं टाटा किया? मैंने बोला बैठ चना बेटा टाटा. अपनी उम्र देखें और अपनी हरकतें देखें. भाई इस उम्र में यही तो हमारे हरकतें करने की बात. कहते करें प्लीज, खुदा हाफिज़. जाइए आप लोग, चलिए. किसको बोल? फर्स्ट एपिसोड इज ओवर. किसको? इनको बोल रहा हूँ, जाने.